दादी तो सर में चाहा दी। यही सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ, मगर क्या करूँ। धन दौलत घटका का धन दौलत, रुपया सोने चांदी से भरते अपनी छुपरिया, फिर देखना सर में राज करेगी राज। अगर ऐसे ही पटेहान मर गई तो सर में भी भीख मांगनी पड़ेगी। उठ बुढ़िया उठ, धन दौलत घटका का धन दौलत। खेलते रहना, हम रात को लौटेंगे फिर खाने।
हम तो इतनी बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे कैसे? मैं आप लोग से बच्चों को पढ़ाने के बदले पैसे थोड़ी लूंगी। अरे क्या बात हुई? ठीक है, पैसे बदले में मदद पढ़ लिख कर होगा क्या? पढ़ाई लिखाई गरीब बच्चों के क्या काम आएगी? इनको तो काम से फुर्सत ही नहीं है। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? पढ़ाई लिखाई भी इंसान के लिए उतनी जरूरी होती है जितना भोजन पानी। सुनो सुनो, इधर आओ। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसी बहाने बच्चों की देख रेख हो जाएगी और हम बेफिक्र होके काम में लगे रहेंगे। अरे हाँ दीदी, बहुत सही कहा। दीदी वो देवी जरूर हमें मिल रहा है। तभी तो हमारी मदद करने उसने इसको भेजा होगा। तो चलो हाँ कह दे। मोटर के भीतर एक मोटा आदमी बैठा था। उसने कहा टेलीविजन देखेगा? नहीं। फिर उसने बैग डिब्बे में ऐसे खोला।
झोपड़ी के भीतर गड्ढा खोदो। नहीं भैया रुक जाओ। अरे भैया मेरे झोपड़ी के भीतर गड्ढा मत खोदो भैया, रुक जाओ। अरे भैया रुक जाओ। अरे भैया रुक जाओ। जा जा। अब जिसका जितना जितना धन है ले लो, फिर कभी ऐसी देवी के धोखे में मत फंसना। वो कोई और देवी नहीं, मैं ही थी। क्या? हाँ, मैंने एक सपना देखा था। कैसा सपना? छोड़ो उसे बताने, मुझे शर्म आती है। अब मैंने ये जान लिया देवी कि सपना देखो तो अच्छा देखो, वरना सपना ही मत देखो। देवी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कोई देवी थोड़ी हूँ, मैं तो मस्त चढ़नी हूँ। माना चढ़नी है।